हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवी ठाकुर और मेरी तरफ से आपको प्यार भरी नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बड़े सारे दिनों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे या मार्केट में फैमिलीज को लेकर बहुत सारे डाउट थे कि हर कोई ये बोलता था कि अगर आपको बिल्डर फ्लोर लेने चाहे वो किसी भी एयर में लें तो उसको ठोक बजा के लेना, वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस या काफ़ी सारी क्वेरीज आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल को लेकर हो रही थी मार्केट के अंदर कि सीमेंट अच्छा नहीं होता, सरिया अच्छा नहीं होता, टाइल्स नकली लगा देते हैं, माइका नकली लगाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का हल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि जो हमारी बिल्डिंग में मटेरियल यूज़ होता है, किस तरीके का मटेरियल हम आपको दोस्तों लगा के देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके फ्लैट में लगने वाली टाइल्स को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एम्बिटो कंपनी की टाइल्स है जो कि ISO से प्रमाण मात्र होते हैं कि प्रॉपर ब्रांडेड कंपनी टाइल है, और उसको आप हर तरीके से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे मार्किंग दोस्तों मिल जाती हैं। सेकेंड थिंग पे बात करेंगे आपके फ्लैट के अंदर जो बोर्ड यूज़ होते हैं, HDHMR के बोर्ड जो लगते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रीन बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर सारे बोर्ड्स यहाँ पे आपके फ्लैटों में काम किया जा रहा है, और सारे के सारे ग्रीन प्लाई जो भी आप TV में ऐड भी देखते होंगे जो कि आते काफ़ी अच्छे, आप यहाँ से सारा चेक कर सकते हैं कि यही प्लाईवुड आपके फ्लैटों में दोस्तों लगाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके घर में आपकी बिल्डिंग में जो सीमेंट यूज़ होता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सीमेंट यूज़ होने वाला है, आप ये देख सकते हैं ACC गोल्ड सीमेंट है जो कि आपको मिलने वाला है वाटर शील्ड के साथ, मींस वाटरप्रूफ आपका सीमेंट रहता है, मींस आपके लेंटर में जो होता है किसी तरह की सीपेज या लीकेज की दिक्कत नहीं रहती, प्रॉपर वाटरप्रूफ सीमेंट आपको लगाया जा रहा है। POP की बात करें जो वाइट POP होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं JK सीमेंट की टाइल मैक्स, जिससे हम टाइल्स पर प्रॉपर जो टाइल्स को जकड़ जिसके मजबूत बनाता है वो हम यहाँ पे ISI प्रमाण मात्रा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो सीमेंट जिससे टाइल मजबूती से चिपक जाती है वॉल पे या फर्श के ऊपर। अब यहाँ से ये देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टर जो हम करवा के दे रहे हैं श्री आधार गोल्ड प्लास्टर का, हम आपको ब्रांडेड यहाँ पे प्लास्टर दोस्तों करवा के देते हैं। मीन ये सारा मटेरियल है जो कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्वेरी पैदा करता था क्वेश्चन की, भैया बिल्डर फ्लोर के अंदर असली मतलब मटेरियल यूज़ नहीं होता, वो मिक्स मसाला देते हैं, कुछ भी करते। तो आपने यहाँ पे देखा कि सारे के सारे हम आपको ब्रांडेड चीज़ें लगा के देते हैं। प्लाई की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्लाई हम आपको लगा के देते हैं, ये देख सकते हैं ये सारी प्लाई वर्क है जो हम आपके लिए अलग अलग कलर की हैं जो हम मंगाते हैं होलसेल पे और ये लगाते हैं। दरवाज़ों की बात करें तो कई बोलते हैं कि प्लाईवुड के दरवाजे लगाते, तो अब यहाँ से देख सकते हैं दरवाजे हैं जो अभी इन पे पेंट होगा, हर तरीके का पेंट होके फिर आपके फ्लैटों में दोस्तों लगेंगे, और पेंट होने के बाद ये कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उसका भी काम हम इस बिल्डिंग में तैयार करवा रहे हैं दोस्तों। तो दरवाजे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर सीमेंट का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि आपके फ्लैटों में यूज़ होने वाला है, जो कि मैंने आपको ब्रांड चेक करवाया था कि सबसे अच्छा जो है कि वाटर शील्ड पेंट है। अब मैं जो दरवाजे की आपको दिखाता हूँ क्वालिटी कैसे रहने वाली है, तो दरवाजा दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये अभी ताज़ा पेंट हुआ है दरवाजे पे, और काफ़ी कितना मोटा वुडन है, देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कितना मोटा वुडन का आपको दरवाजा बना के दे रहे हैं। और ये कोई प्लाई वाला दरवाजा नहीं है, मीन्स प्लाई नहीं चिपकी है, डिज़ाइन बनाया है, और डिज़ाइन के ऊपर हम आपको पेंट करवा के दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है मार्केट के दूसरे दरवाजों से, जो कि आपको रेडीमेड दरवाजे मिलते हैं ना जो आपको प्लाई चिपका के देते हैं, उनसे काफ़ी हद तक ये दोस्तों दरवाज़ा महंगा होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। अब देखो इस पर पेंट करा, ये सूखने में टाइम लेगा, और ये सूखने के बाद कैसी लुक देगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये उस दरवाजे की लुक आ रही है दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है। तो ये है दोस्तों हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जिसको लेके मार्केट में बहुत सारे ह्यूमर्स फैले हुए थे कि बिल्डर फ्लोर अच्छे नहीं बनते, वहाँ का मटेरियल अच्छा नहीं होता, ठोक बजा के लेते हैं। तो मैं भी बोलता हूँ कि ठोक बजा के लेना चाहिए, बट मटेरियल मैंने आपको दिखाया कि हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ होते हैं। हम आपके लिए घर बनाते हैं जो कि हर फैमिली एक बार रहती है, अपनी जमा पूंजी जमा करके, अपनी सेविंग्स जमा करके, तो उसका हम भी कई हद तक दोस्तों ख्याल रखते हैं, और आपको आपके फ्लैट के अंदर सारी चीज़ कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया लगा के दे, क्योंकि कई हद तक बजट का भी सवाल होता है कि हमें देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस बजट के अंदर हमें लगानी दोस्तों, बट जो भी चीज़ लगती है वो असली लगती है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जो कि मार्केट में फैले हुए ह्यूमर को क्लोज करते हैं कि वो बोलते हैं ना कि बिल्डर फ्लैट में अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं होता, तो ये वीडियो दिखा के आप उनको बता सकते हैं कि नहीं जी, जो भी बिल्डर फ्लोर बनते हैं खासकर हमारे उत्तम नगर के अंदर, तो आपने देख लिया कि हर वो चीज़ जो आपके बिल्डिंग में यूज़ होती है मैंने आपको दिखाई है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो प्लाई हो, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो प्लास्टर पेंट हो, चाहे वो आपका टाइल्स पे लगाने वाला सीमेंट हो, हर तरीके की चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। तो आप मुंह बंद कर सकते हैं उन लोगों का जो बोलते हैं कि नहीं बिल्डर फ्लोर में कच्चा मसाला यूज होता है। तो यही था आज की मेरी
वीडियो का खास मकसद बनाने का, जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि हाँ भाई बिल्डिंग किस मटेरियल से बनती है। तो इसी के साथ अपने दोस्त लवी ठाकुर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अपनी इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, रब राखा, जय हिंद।